हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा अब्राहम लिंकन लेसन 3 चल रहा था, अब उसको कंटिन्यू करती हूँ मैं। आधे से ज़्यादा हो चुका है और इस पार्ट में वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ही वन द वॉर एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। अब जो सिविल वॉर चल रही थी USA में, तो अब्राहम लिंकन उसके खिलाफ थे कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, उसके फेवर में थे कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। और जो खिलाफ थे लोग, तो वो ये कह रहे थे कि एक राष्ट्र में दो चीज़ नहीं हो सकती हैं। तो फिर उन्होंने जो युद्ध चल रहा था वो जीत गए थे और जो कंट्री था वो यूनाइटेड हो गया, मतलब अब वहाँ दो तरह के लोग नहीं थे। ऑन January 1, 1863 लिंकन इशूड द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन विच इवेंचुअली लेड टू द फ्रीइंग ऑफ ऑल स्लेव्स इन द USA। तो January 1, 1863 में लिंकन ने जो दासों की, जो स्लेव्स थे, उनकी मुक्ति का घोषणा पत्र जारी किया, जिससे अंत में क्या हुआ कि जो सारे स्लेव्स थे USA में वो सब फ्री हो गए, मुक्त हो गए थे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर लिंकन गेव मैनी स्पीचेस इंक्लूडिंग द गेटिसबर्ग एड्रेस November 1863, अ शॉर्ट स्पीच इन विच ही स्टेटेड हाउ अ कंट्री मस्ट बी डेडिकेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब जब जो सिविल वॉर चल रहा था, जिस टाइम वो गृह युद्ध चल रहा था, उस टाइम लिंकन ने बहुत सारी स्पीचेस दी थी, बहुत सारे भाषण दिए थे। उसमें जो गेटिसबर्ग को एड्रेस करके उन्होंने दिया था नवंबर 1863 में, एक छोटा सा भाषण था, छोटी सी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक देश जो मतलब नेशन को सर्वाइव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन फ्रीडम है उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। सचमुच में उन्हें मनुष्यों को फ्रीडम, स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। लिंकन वॉज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1864, डिफीटिंग डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैकलेन। ही अब जो लिंकन थे वो दोबारा से चुने गए थे प्रेसिडेंट 1864 में, और उन्होंने डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैकलेन को हराया। ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी एंड वॉन्टेड एवरीबडी टू लिव इन पीस। वो किसी के अगेंस्ट नहीं थे, किसी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि सभी लोग शांति से रहें। He made sincere efforts to heal the people's wounds caused by the war. अब जो उस युद्ध में बहुत सारे लोग थे, जैसे जिनकी बातों के खिलाफ अब्राहम लिंकन थे, तो वो थोड़े से उनसे अगेंस्ट थे उनके, तो उन्होंने इतने सिंसियर एफर्ट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिससे क्या हुआ, जो युद्ध में लोगों को घाव मिले थे उनसे, वो भी उनके भर गए थे, उन लोगों के जो घाव थे वो हील हो गए। In 1862, Lincoln declared that from the onwards all slaves would be free. 1862 में लिंकन ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब से जो भी दास हैं वो सब फ्री हो जाएंगे। This made him very popular among the people. और इस बात ने क्या किया, उन्हें बहुत ही पॉपुलर कर दिया था लोगों के बीच में। General Robert E. Lee from the Confederacy surrendered to General Ulysses S. Grant from the Union on April 9, 1865, effectively ending the Civil War. अब जो जनरल रॉबर्ट ईली थे, जो कॉन्फेडरेसी से थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया था जनरल यूलिसीज एस ग्रांट के सामने April 9, 1865 में, और फिर उससे क्या हुआ, इफेक्टिवली मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल जो सिविल वॉर था वो ख़त्म हो गया। प्रेसिडेंट लिंकन वॉज शॉट ऑन April 14, 1865 बाई जॉन विल्क्स बूथ एन एक्टर एट फोर्ट्स थिएटर इन Washington DC। जो प्रेसिडेंट लिंकन थे उनको 14 अप्रैल को 1865 में गोली मार दी गई, और गोली किसने मार दी, जॉन विल्क्स बूथ ने, जो कि एक एक्टर था। और फोर्ट्स थिएटर में Washington DC में, जब लिंकन वहाँ पर मौजूद थे उस थिएटर में, उस टाइम उन्हें गोली मार दी गई थी। लिंकन हैड बीन वॉचिंग अ प्ले देयर। लिंकन वहाँ पर एक प्ले देख रहे थे। लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। ही वॉज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट एवर असैसिनेटेड। वो एक फर्स्ट US के प्रेसिडेंट थे जो कि एक पॉलिटिशियन के चक्कर में मारे गए थे, उन्हें गोली मारी गई थी, तो फर्स्ट US प्रेसिडेंट थे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।